नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HCL से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। HCL ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए BE BTech के स्टूडेंट्स को हायर करना शुरू कर दिया है। जो पैकेज है वो 4.25 LPA का है, आप LinkedIn पे जाके चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने लगा, वहाँ जाके आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। इस फॉर्म को जब आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है एज़ पर 10th मार्कशीट, देन आपको अपना जेंडर लिखना है, देन आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, देन आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है एंड देन अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में मेंशन कर रखा है वो आपको फिल करना है एंड देन स्टेट जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको अपनी 10th की परसेंटेज लिखनी है और 10th का पासिंग ईयर लिखना है। फिर आपको 12th की परसेंटेज लिखनी है और 12th का पासिंग ईयर लिखना है। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपकी BE BTech ME MTech है आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आपको अपने कॉलेज का नेम भी मेंशन करना है और कॉलेज की डिग्री भी मेंशन करनी है और फिर ब्रांच भी मेंशन करनी है। फिर आपका जो भी परसेंटेज या फिर CGPA है वो एंटर करना है। आपका पासिंग ईयर भी सिलेक्ट करना है क्योंकि ये स्पेसिफिक 2022 बैच के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आप PG कर रहे हो तो लिख सकते हो, वरना आप NA करके छोड़ सकते हो। और डेट आप कब आप HCL ज्वाइन करने के लिए अवेलेबल हो जाओगे, और आपको इनके 12 मंथ सर्विस एग्रीमेंट के बारे में भी देख लेना है एक बार। उसके बाद आपने क्या आप इससे पहले HCL के इंटरव्यू एक ईयर के अंदर अटेंड कराया, अगर यस करोगे तो आप एप्लीकेबल नहीं होगे, इसलिए नो कर देना और फॉर्म को सबमिट कर देना। तो ये था अभी HCL से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।